नमः शिवाय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि बुधवार आश्लेषा नक्षत्र दिन में 10 बजे तक लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव हैं। आश्लेषा नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, अत्यधिक बुद्धिमान, सटीक कल्पना करने वाले, परिवर्तनशील आचरण वाले, हंसमुख और धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। कला, साहित्य तथा संगीत के प्रेमी होते हैं। ये स्वभावतः हठी भी हो सकते हैं। 10 बजे के बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा, जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। मघा नक्षत्र के जातकों के बारे में बता दें, ऐसे जातक धनी, आज्ञाकारी, ऐश्वर्यशाली और बुद्धिमान होते हैं। ये अस्पष्टवादी, साहसी, संवेदनशील और जल्दी क्रोधित होने वाले होते हैं। ये उच्च स्तर की आजीविका पाने वाले और खोजी प्रवृत्ति के भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और सहयोगी ग्रहों की भूमिका सकारात्मक रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज 10 बजे से सिंह राशि में ही चलते रहेंगे। इन दोनों नक्षत्रों के जन्मे जातक को 27 दिन बाद फिर उसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि के जातकों के आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में होने से रचनात्मक प्रयास की गतिविधियां बढ़ेंगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में सामने वाले के मंतव्य को बारीकी से समझकर निर्णय लेना उचित होगा और उसमें आप सफल रहेंगे। अपने जीवन स्तर में सुधार की प्रक्रिया चालू होगी और बहुत दिनों से सोचे हुए गृहस्थी संबंधी कार्य पूरे होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। अब तक आपके राशि स्वामी शुक्र उच्च के चल रहे थे, मगर अब आपकी राशि से 12वें घर में केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं। त्वचा से संबंधित संक्रमण और हड्डी संबंधी परेशानियां संभावित हैं, मगर आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। व्यावसायिक गतिविधियां अनुकूल रहेंगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा, मगर अपने विभागीय अधिकारियों के सहयोग में कमी संभावित है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। किसी अतिथि के आगमन से मन प्रसन्न होगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों के कार्य ऊर्जा में थोड़ी कमी और मन मुताबिक काम का ना होना संभावित है। आपके राशि स्वामी बुध 10वें घर में वक्री हो चुके हैं और अस्त चल रहे हैं। कुछ काम होते होते रुक सकते हैं, मगर नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव भी सामने आते रहेंगे। सकारात्मक पहल जारी रखें। आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। साझेदारी के कामों में उत्तेजना उचित नहीं होगी। अध्ययन अध्यापन में उचित सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मगर पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना होगा। कर्क राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना होगा। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से मन खिन्न हो सकता है और थकान संभावित है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अतिरिक्त आर्थिक लाभ संभावित है। बच्चों के व्यवहार और क्रिया प्रतिक्रिया से मन खिन्न हो सकता है। सामंजस्य बरकरार रखें। शनि, मंगल और राहु का प्रतिकूल प्रभाव आपके ऊपर हावी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए संघर्ष भरा दिन होगा। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर सावधानी बरकरार रखें। सिंह राशि वाले जातक मानसिक रूप से अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। पहले से चले आ रहे नकारात्मक विचार और मानसिक दबाव खत्म होंगे। कार्य योजनाओं की सार्थक पहल जारी रहेगी। रुके हुए काम भी चालू हो सकते हैं। अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अचानक यात्रा संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य योजनाओं के नए अवसर सामने आएंगे। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। साझेदारी के प्रस्तावों में मित्र व सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, मगर कुछ कामों में रुकावट संभावित है। आर्थिक लाभ बना रहेगा।
निजी निवेश के लिए योग बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए सुबह से चली आ रही स्थिति में दोपहर के बाद से काफ़ी सुधार होगा। आर्थिक लाभ की अनुकूलता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में चली आ रही असमंजस की स्थिति खत्म होगी। कार्य योजनाओं की रूपरेखा का निर्माण होगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। साझेदारी के कामों में आपके प्रयास सार्थक होंगे, मगर विभागीय अधिकारियों को सावधानी अपेक्षित है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिकारी का हस्तक्षेप संभावित है। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी संतुष्टि महसूस होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अपने कार्य क्षेत्र में लगा रहेगा। आज संबंधित मामलों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और नई योजनाओं की बुनियाद रखने में सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ की दर आपके विश्वास दिलाने और संतुष्ट करने की कला के ऊपर निर्भर करेगी। फिर भी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है, मगर पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। सावधानी अपेक्षित है। धनु राशि वाले जातकों को कुछ दिनों से अपने मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, जो कि आज से कार्य क्षेत्र की संतुष्टि बनने लगेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे, जिसमें शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग शामिल होगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संबंधित मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है। धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है, सफलता मिल सकती है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। मकर राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में सुकून और प्रतिष्ठा मिलेगी। अपने और विभागीय अधिकारियों के कामों के गुणवत्ता में वृद्धि होगी। अपनी कार्य योजनाओं को और बेहतर ढंग से करने की प्रेरणा और सहयोग मिलती रहेगी। साथ ही घर को सजाने, संवारने और सुसज्जित करने में मन लगेगा। छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन पिछले दिनों की अपेक्षा अच्छा रहेगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा। कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। रुके हुए कुछ काम सुलझ सकते हैं और साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। वैवाहिक प्रस्ताव के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी पड़ेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि वाले जातकों को आज भी सावधान रहना चाहिए। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेंगे, किसी मामले में साजिश के शिकार हो सकते हैं। आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। नए प्रस्ताव के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य के लिए टाल दें। आर्थिक मामलों में सहयोग संभव है। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन दुविधापूर्ण रह सकता है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।